तब भी घर जाएंगे। जी हाँ सर, सरकार ने ट्रेन बंद कर दिया था। हम लोग स्वराज इंडिया की तरफ से पिछला 4 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों की खुशी के लिए बता दूं, आप लोगों के दबाव में आके सरकार घुटना टेक दी है, ट्रेन कल से फिर शुरू हो जाएगा। साथियों, पूरा लिस्ट में आपको ट्रेन का भी बता रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। बिहार के लिए, झारखंड के लिए, असम के लिए 2 ट्रेन चलेगा 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक प्रतिदिन 2 ट्रेन। बिहार के लिए 2 ट्रेन चलेगा 8 तारीख से लेके 5 तारीख तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के लिए भी 2 ट्रेन चलेगा 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक प्रतिदिन। यूपी के लिए 2 ट्रेन चलेगा। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के लिए 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक 2 ट्रेन डेली चलेगा। उड़ीसा के लिए भी 2 ट्रेन डेली चलेगा। साथियों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 1-1 ट्रेन प्रतिदिन चलेगा। ये जो ट्रेन चलेगा, इसका जो मैं आपको टाइम का बता रहा हूँ, जो इसका प्रतिक्रिया है, इस तरह से आपको टिकट मिलेगा, आप सारे के सारे लोग आज एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिए जाएंगे, जिसका भी नंबर है, आपको उसके ऊपर पूरी जानकारी मिलेगी। कोई भी आदमी लेबर कॉलोनी से बाहर नहीं जाएगा। हम लोग अनुशासन के साथ काम करेंगे। अब तक सरकार हमारी दबी है, हम कोई गलत गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। जो भी बाहर जाएगा हमारा साथी, टिकट लेने या कुछ भी, मास्क पहन के जाएगा। टिकट की सुविधा आपको खुद दी जाएगी, किसी को जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है भाइयों? और एक बात सुनिए, जो साथी ये समझते हैं कि वो यहाँ पर रुकेंगे और काम करेंगे, तो काम करने की भी व्यवस्था सरकार बना रही है। जिसको नहीं जाना होगा वो रुक के काम करेगा, और जो आपका पेमेंट है वो हर 2 हफ्ते में क्लियर होगा, सरकार ने उसका भी वादा किया है। साथियों, ये आप लोगों की जीत है, अपनी जीत खूब जोर से मनाइए, पर एकदम अनुशासन के साथ, ठीक है?